नमस्कार, जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने सीखे WH टाइप क्वेश्चंस, यानी वेव फ्रैकल। आज हम सीखेंगे या नहीं क्वेश्चन, मतलब यस नो क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं या नहीं क्वेश्चंस। डेफिनेशन कितनी सिंपल है, जिसका आंसर या नहीं, हाँ या ना में आता है, ऐसे क्वेश्चंस। इसकी एग्जाम्पल, तुम क्रिकेट खेलते हो ना, तुम्हारा नाम केदार है ना, एकदम सिंपल है, राइट? उसका आंसर आएगा हाँ मेरा नाम केदार है या ना मेरा नाम केदार नहीं है। और तो अभी इसका जर्मन कैसे करना है, सिमिलर होगा, हमने लास्ट टाइम देखा है। इंग्लिश में आपने कैसे करते इसका, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू ड्रिंक टी, डू यू ईट पिज्जा, और लास्ट टाइम हमने देखा डू की लिमिटेशन तो जर्मन में है ही नहीं, तो हम उसका कैसे बनाएंगे, डू यू प्ले क्रिकेट, डायरेक्ट क्या आएगा, स्पील्स्ट डू क्रिकेट। अभी इंपॉर्टेंट थिंग देखो, आप कुछ तो यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट क्या है, पूछना, इसीलिए पहली पोजिशन पे क्या आएगा, वर्ब। इंग्लिश की तरह ही, इंग्लिश में भी डू वर्ब ही पहले आया था, तो हम करेंगे स्पील्स डू क्रिकेट, ड्रिंक्स डू टे, या फिर अगर आपको आदर से पूछना है, अगर आपको याद है, स्पीलन जी क्रिकेट, ट्रिंकन जी टे, आप पिज्जा खाते हो क्या, एसन जी पिज्जा। कंसेप्ट सिंपल है, पहले पोजीशन पे वर्ब, सेकंड पोजीशन पे नाउन और बाकी सब बाद में। इसी का हम मोडल वर्ब के लिए भी आगे लेके जा सकते हैं, कैन यू ईट पिज्जा का क्या होगा, कांस्ट डू पिज्जा एसन, कांस्ट डू पिज्जा एसन। जैसे अगर आपको याद होगा एसन एंड में ही आएगा, क्योंकि आप मोडल वर्ब कर रहे हो, तू पिज्जा खाता है क्या, कांस्ट डू पिज्जा एसन, आप पिज्जा खाते हो क्या, क्योनन जी पिज्जा एसन, तू क्रिकेट खेलता है, खेल सकता है क्या, कांस्ट डू क्रिकेट स्पीलन, आप क्रिकेट खेल सकते हो क्या, क्योनन जी क्रिकेट स्पीलन। अगर आप यहां पे देखोगे तो मोडल वर्ब के रूल फॉलो होते हैं कि चलेगा क्या, कांस्ट या क्योनन, और जो स्पीलन या एसन है वो एंड में जाएगा, अपने इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा। इसी का यूज करके हम रिक्वेस्ट सीखने वाले हैं। अगर आपको याद होगा, हमने जब मोडल वर्ब सीखे तो मैंने आपको बोला था मोडल वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जब आप मोडल वर्ब सीखोगे तो आपको दो चीजें फ्री मिलेंगी, क्वेश्चन, फ्यूचर टेंस और रिक्वेस्ट। फ्यूचर टेंस कैसे फ्री मिलता है वो हमने देखा, अभी हम देखेंगे रिक्वेस्ट कैसे फ्री मिलती है। आई होप सबको मोडल वर्ब की कंसेप्ट याद है। तो मोडल वर्ब में हम कैसे करते हैं, आई मे ड्रिंक टी, इश डार्फ टे ट्रिंकन, इश डार्फ टे ट्रिंकन, ड्यूर्फन चला और दार्फ बना, ट्रिंकन एंड में अपनी जगह पे ही रहा और इन्फिनेटिव रहा। अभी अगर आपको पूछना है आई मे ड्रिंक टी का, अगर आपको रिक्वेस्ट बनानी है मे आई ड्रिंक टी, तो क्या होगा, सिर्फ अदला बदली करो, दार्फिश टी ट्रिंकन, सिर्फ इश दार्फ टी ट्रिंकन का दार्फिश टी ट्रिंकन बन गया, सिंपल है, राइट? ट्रिंकन एंड में ही रहा, मे आई ईट पिज्जा, दार्फिश पिज्जा एसन, मे आई ईट बर्गर, दार्फिश बर्गर एसन, मे आई प्ले क्रिकेट, दार्फिश क्रिकेट स्पीलन। क्लियर है, दार्फिश वाली रिक्वेस्ट एकदम फ्री है। सेकेंड थिंग, आपको अगर जर्मन में बोलना है यू कैन गिव मी एप्पल, यू कैन गिव मी एप्पल, तो ये जो मी है वो जर्मन में होता है मियर, वो मिया कैसे होता है, या फिर मुझे, ये मिया होता है वो कैसे होता है, वो हम केसेस में देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखो मिया इज मुझे। यू कैन गिव मी एप्पल, आप मुझे एप्पल दे सकते हो, जी क्योनन मिया एप्पल गिबन, जी क्योनन मिया एप्पल गिबन। इसी का अगर आपको उल्टा करना है, कैन यू गिव मी एप्पल, तो क्या होगा, क्योनन जी मिया एप्पल गेबन, क्योनन जी मिया एप्पल गेबन। सिमिलरली आप ऐसे कुछ भी मांग सकते हो, क्योनन जी मिया पिज्जा गेबन,
क्योनन जीमियर कोक गेबन, जो भी चीज मांगनी है वहां पे रखो क्योनन जीमियर .. गेबन। तो ये दो मेजर रिक्वेस्ट है, क्या मैं कुछ ले सकता हूं या क्या आप मुझे कुछ दे सकते हो। दार्फिश पिज्जा हाबन या फिर क्योनन जीमियर पिज्जा गेबन। वैसे ही आप अलग अलग रिक्वेस्ट भी बना सकते हो, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्योनन जीमियर हेल्फन, या फिर क्या आप ये खिड़की खोल सकते हो क्योनन जी दास फेंस्टर अफरन। पर ये सब जैसे जैसे आपके नए नए वर्ब्स आपको आते जाएंगे आप बताओगे। दो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट क्या है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक चाय बोलने से ज्यादा पोलाइट, ज्यादा लॉजिकल क्या है, दार्फिश आइन टे हाबन या फिर क्योनन जी मिया आइन टे गेबन, ये ज्यादा पोलाइट है। तो आई होप आप सबको रिक्वेस्ट समझ में आई है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट, दार्फिश पिज्जा हाबन या क्योनन जी मिया पिज्जा गेबन। तो इस पार्ट में हमने सीखे यस नो क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। चलो क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। पहली चीज, हमको इंग्लिश की तरह डू का कंसेप्ट है ही नहीं जर्मन में, तो आप डायरेक्ट पूछोगे तू क्रिकेट खेलता है क्या, स्पील्स डू क्रिकेट, या फिर आप क्रिकेट खेलते हो क्या, स्पीलन जी क्रिकेट। इसका ही हम मोडल वर्ब में कर सकते हैं, कैन यू प्ले क्रिकेट, कांस डू क्रिकेट स्पीलन, या फिर आप क्रिकेट खेल सकते हैं क्या, क्योनन जी क्रिकेट स्पीलन। और उसी का यूज करके, मोडल वर्ब का यूज करके हमने रिक्वेस्ट बनाने सीखे। दो इंपॉर्टेंट मेजर रिक्वेस्ट कौन से हैं, दार्फिश पिज्जा हाबन या फिर क्योनन जी मिया पिज्जा गेबन। आई होप आपको यस नो क्वेश्चन और रिक्वेस्ट ठीक से समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।